गुड मॉर्निंग। हम लोग आज टॉपिक का नाम एरर, टॉपिक का नाम एरर है, उसको हम लोग देखते हैं। एरर एरर का क्या वर्क है, उसका क्या डिफिनेशन है, कितना टाइप्स का एरर होता है। वो देखिए, एरर टू टाइप्स के होते हैं। कितना टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स। देखिए, एरर टू टाइप्स का होता है। एक होता है कंपाइलेशन और एरर, एक होता है रन टाइम एरर। ठीक है, कंपाइलेशन एरर में क्या होता है कि जो कंपाइलेशन के एरर के अंदर फिर दो टाइप का एरर आता है। कितना टाइप का? दो टाइप का एरर आता है। एक होता है सिंटैक्स एरर, एक होता है लॉजिकल एरर। ठीक है, और एक ठीक है सिंटैक्स एरर में एरर है जो ब्रैकेट एरर, जो ब्रैकेट होता है वो ब्रैकेट छूट जाता है या सेमी कॉलन छूटता है। ठीक है, तो सबको क्या हम लोग बोलते हैं? सिंटैक्स एरर ना। तो ठीक है, और एक होता है लॉजिकल एरर, जो लॉजिक जो हम लोग लॉजिक लगाते हैं, जैसे हम लोग एक रफली जैसे बनाते हैं, कॉपी में बनाते हैं, हम लोग लॉजिक लगाते हैं कि इसका आउटपुट आना चाहिए 3, बट वो आपका आउटपुट आ गया 3 के जगह पे 5 आ गया या 1 आ गया, तो क्या हो गया? लॉजिकल एरर हो गया। ठीक है, दूसरी टाइप का देखिए यहाँ पे एक रन टाइम एरर। पहले देखिए दो देखिए, कंपाइलेशन एरर के अंदर एक सिंटैक्स एरर होता है, एक लॉजिकल एरर होता है, तो दो टाइप का एरर होता है। अब देखिए यहाँ पे लॉजिकल एरर, एक होता है सिंटैक्स एरर। अब देखिए यहाँ पे डिफिनेशन इसका देख लीजिए। ये देखिए, कंपाइलेशन, ठीक है, देखिए, एनी मिस्टेक डन बाय प्रोग्राम वाइल द प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड एरर। कोई भी प्रोग्राम हम लोग बनाने समय कोई भी मिस्टेक करते हैं और कुछ भी गलत करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं ना। देखिए, तो एरर वो दो टाइप का होता है। कितना टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का एरर होता है, एक कंपाइलेशन एरर, एक होता है रन टाइम एरर। ठीक है, देखिए कंपाइलेशन एरर किसको बोलते हैं? कंपाइलेशन एरर बोलते हैं उसको, देखिए, एरर विच कम्स वेन यूजर कंपाइल ना कंपाइल अल्ट प्लस F9 की और प्रोग्राम रन इज कॉल्ड कंपाइलेशन एरर। देखिए, कोई भी प्रोग्राम हम लोग बनाए, एक सिंपल प्रोग्राम मान के चलिए ऐड का बनाए, आप उसको कंपाइल करते हैं, तो कंपाइलेशन का एक शॉर्टकट की क्या है? अल्ट प्लस F9 ना, जब टर्बो सी प्लस, तो आप यहाँ पे कंपाइल करिएगा अल्ट प्लस F9 से, तो क्या होगा? कंपाइल होगा, उसी में कोई एरर आता है। तो कितना टाइप्स का एरर आता है? टू टाइप्स का, एक होता है सिंटैक्स एरर और एक होता है लॉजिकल एरर। देखिए, सिंटैक्स एरर कब आता है और कैसे आता है? देखिए, एनी एरर विच अकर व्हेन यूजर अवॉइड द प्रोग्रामिंग रूल्स इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर। ठीक है, उसका देखिए, एनी मिस्टेक डन द प्रोग्राम इज रिस्पेक्टेड ऑफ प्रोग्रामिंग रूल्स इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर। इफ सिंटैक्स एरर इज फाउंड इन द प्रोग्राम देन प्रोग्राम विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। देखिए, जैसे क्या क्या आता है? सेमी कॉलम मिसिंग, कर्ली ब्रैकेट मिसिंग, ठीक है, नॉट बैलेंस, इस टाइप का अगर आप कहीं गलत करेंगे ना, तो उस टाइप को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंटैक्स एरर मिसिंग। अब एक होता है लॉजिकल एरर मिसिंग। देखिए, मिस्टेक मेड बाय द प्रोग्राम इन इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। ठीक है, अब देखिए, लॉजिकल एरर आर नॉट डिटेक्टेड बाय कंप्यूटर ना। इफ लॉजिकल एरर इज फाउंड इन द प्रोग्राम देन प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड सिंबल इंस्टेंट ऑफ द प्लस ना। जैसे हम लोग देखिए को प्लस मल्टीप्लाई का वर्क कर रहे हैं, बट वहाँ बाय मिस्टेक से प्लस का सिंबल दे दिए यूज करने के लिए, तो क्या होगा? लॉजिकल एरर हुआ, वो हम लोग का गलती से हुआ ना, जो आप कमांड दीजिएगा वो वर्क करेगा कंप्यूटर। ठीक है, रन टाइम एरर किसको बोलते हैं? रन टाइम एरर अपीयर व्हेन यू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम ना, इस टाइप का। ओके,